बरेली जनसेवा समिति ने अजमेर शरीफ में कुल को लेकर कोरोना इलाज पम्मी वारसी के नेतृत्व में नौ मेला मस्जिद में कराई। उन्होंने बताया कि ये कैंप दो दिन और चलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पम्मी वारसी है। आज क्या कार्यक्रम हुआ? जो अजमेर शरीफ की सरजमी पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो राजस्थान प्रशासन ने कहा है कि जो लोग भी अजमेर शरीफ के कुल शरीफ में शिरकत करेंगे वो कोविड 19 की जांच कराएं। इसलिए ये बरेली की दरगाह नासिर मियां नौमेला मस्जिद में एक कैंप लगाया गया है जिसमें कोविड 19 की जांच हो रही है। सभी लोग जांच करा के अजमेर शरीफ के लिए रवाना होंगे। तो कितने लोगों की जाँच हो चुकी है? जांच अभी 150 लोगों की जांच हो चुकी है यहाँ पर। मैं शाहिद हसन नूरी जी और साबरी नासिर खिदमत का सोसाइटी पे जो फर्स्ट टाइम हूँ मैं दरगाह पे, और ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक जायरीनों के लिए सहूलियत के लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का जांच का यहाँ लगा दिया कि सारे जायरीन जो भी बरेली से जाने वाले हैं अजमेर वो यहाँ आके अपनी जाँच करा लें, उनकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। और अभी तक जो है 150 लोगों की जाँच हो चुकी है और जितने भी लोग हैं और भी लोग रह गए हैं तो उनको कल और परसों दोनों दिन का हमारा कैंपिंग का प्लान रहेगा। यहाँ कैंपिंग हम स्वास्थ्य विभाग की जानेब से लगवाते रहेंगे। ये कब जाएंगे अजमेर? ये लोग जो है यहाँ पर 16 तारीख को निकलेंगे, 19 को कुल शरीफ है वहाँ।